इस समय आप देख रहे हैं YouTube TV। नमस्कार, YouTube TV देखने वाले आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ में हमारे देश के एक बहुत ही बड़े उद्योगपति हैं, जिनका भूटान में व्यवसाय है और इन्होंने अनेकों राज्य एवं केंद्र की सरकारों को आते जाते हुए देखा है, उनकी कार्यप्रणाली देखी है। तो इनके श्रीमुख से जानना चाहेंगे कि जो पहले की सरकारें थी और जो वर्तमान में जो BJP की सरकार है केंद्र में राज्य में, तो इनका कैसा अनुभव रहा है। इनका शुभ नाम है श्री ईश्वर सिंह ढुल और ये भिवानी से संबंधित हैं, भिवानी के रहने वाले हैं। भूटान में इनका जो व्यवसाय है वो गैस से संबंधित है। ढुल साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें मिलने का समय दिया, अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपने मुझे समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, आप हमको इस लायक समझा, इंटरव्यू लायक समझा, हमने आपको ज़रूर बताएंगे हमारे बारे में। ढुल साहब, आपने तो अनेकों राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों को काम करते हुए देखा है, आपका एक लंबा अनुभव रहा है। मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाहता हूँ, पहले की जो सरकारें थी और जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 10 साल से केंद्र में, तो कितना अंतर महसूस करते हैं आप? पहले आपको क्या दिक्कतें पेश आती थी या क्या सुविधाएँ मिलती थी और अब आपको क्या दिक्कतें पेश नहीं आती और क्या सुविधाएँ प्राप्त होती हैं? पहले में अब में तो रात दिन का फ़र्क है, पहली गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट में। पहले लाइसेंस, हर तरह के लाइसेंस बेचे जाते थे और कोई भी मतलब ऐसा वो हेल्प नहीं मिलता था आम आदमी को। हमारा जब ये गैस लाइन हमने किया तो हमारे इस गैस लाइन के लाइसेंस लेने के लिए भी हमको 6 महीने तक तेल लगाना पड़ा था गवर्नमेंट के आदमियों को, जो कि लाइसेंस देने के लिए घुमाते थे, 6 महीने तक घुमाया। फिर लास्ट दिन हमने उनको बोला कि अभी आज से हम या तो लेंगे या नहीं लेंगे, आज से कैंसिल करेंगे। कौन से सन की बातें हैं ये? बात है 2009 की। अच्छा। और वहाँ पर केंद्र की तरफ से जो बैठा था उसका बातों का बात करें तो पहले बोलता है कि ये कैसे करोगे, क्या करोगे, उससे ज़्यादा नॉलेज हमारी गैस लाइन की थी हमको, लेकिन फिर भी वो हमको उलझाता रहता था उल्टा पुल्टा करने के लिए। फिर हम बोला भाई तुमको, फिर हम दो आदमी गए थे, मैनेजर और मैं, तो उसको बोला भाई आप ये बताओ आपको पैसा लेना हो तो वो बता दो, सीधी बात करो। तो वो हम बोला भाई, दूसरा आदमी हमारा था साथ में, उसको बोला तुम्हारे पर गर्म होता है तो मैं ठंडा हो जाऊंगा, मैं गर्म होता हूं तो आप ठंडा कर देना उसको। ये करके हम उस दिन उसको मुंह पर बोल ही दिया कि 10,000 रुपया देंगे, करना है लाइसेंस देना है या नहीं देना है। ये हालत थी एक छोटा इंडस्ट्री बैठाने के लिए, यदि हम जाते थे तो वो बात नहीं होता था, जो कि आज फ़र्क है। और हमारे देश की आज इंडस्ट्री डेवलप, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्यों डेवलप नहीं हुई, हमको गवर्नमेंट से पहले कभी हेल्प नहीं मिलता था किसी को और ऐसे ही घपलाबाजी चलता था हर चीज़ में। तो आज आपको किस प्रकार से बेनिफिट सही लग रहा है कि जो कार्य हो रहा है वो सही किस प्रकार से है, थोड़ा विस्तार से बताएं? तो आज देखो, अभी लोगों का एक भावना भरी गई है कि भाई GST एक गुंडा टैक्स है, कांग्रेस बोलती है कि गुंडा टैक्स है। आज इंडस्ट्रियल आदमी खुश है, जिनको आज टैक्स भी देना पड़ रहा है पूरा, ज़्यादा टैक्स दे के भी वो खुश है। क्यों है कि आज इंस्पेक्टरी राज हटा दिया गया है उसमें, और इंस्पेक्टरी राज हटने से एक तो गवर्नमेंट को पूरा पैसा आ रहा है, जो GST में पहले इंडस्ट्रियल चोरी भी होता था ये, क्योंकि इंस्पेक्टर भी को देना ही पड़ता था, जो कि आज देना नहीं पड़ता। आज जिसको ईमानदारी से काम करना है वो सुखी से पैसा देता रहो और अपना सुख की नींद सो। पहले क्या होता था, इनकम टैक्स में या हर चीज़ में इंस्पेक्टर आके खड़ा हो जाता था, चाहे सही है उसको भी लूटता था और नहीं है वो तो देते ही देते थे, जो आज नहीं हो रहा है। और आज आम आदमी के दिल में भावना है BJP के या BJP गवर्नमेंट के प्रति कि BJP वाला पूंजीपतियों की है, लेकिन ये भावना किसने भरी, हमारी ये विरोधियों ने, BJP के विरोधियों ने, जो कि
एकदम गलत भावना है। आज वो पैसा, पूरा पैसा पूंजीपतियों का या इंडस्ट्री से पूरा पैसा उठ रहा है टैक्स का, जो पहले नहीं उठता था। जो कि पहले इनकम टैक्स में 5 लाख दे दिया गवर्नमेंट को, 50,000 दे दिया इंस्पेक्टर को, मामला ख़त्म हो जाता था। जो कि आज पूरा GST या पूरा इनकम टैक्स इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री चलाता है वो पूरा देता है। तो उससे हमारे देश की ग्रोथ हुई है। कांग्रेस ने तो हर चीज़ में कहीं कब सब्सिडी टैक्स का, हमारे देश को इकोनॉमी को डुबोने के लिए सब जगह टैक्स था वो सब्सिडी में चला गया, कहीं कहीं ऐसे ही बांट दिया किसी को या खा गया, तो ये सब होता था। अब आपके कहने का मतलब है कि जो इंस्पेक्टरी राज था वो एक प्रकार से वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिया। हाँ, इंस्पेक्टरी राज आज ख़त्म है और गवर्नमेंट को अच्छा पैसा आ रहा है जिससे हमारा देश डेवलप हो रहा है। कहाँ अभी ये GST उठता है पूरा देश में 1,75,000 करोड़, अभी 1,73,000 करोड़ पिछले महीने उठाया है शायद। तो इससे हमारा देश उन्नति हो रहा है, अब गवर्नमेंट के पास पैसा भी आ रहा है। और पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया था, जब 2014 के अंदर मोदी जी जब आए, BJP आया, ऊपर से तो फूड गारंटी बिल बना के चले गए और उसको टैक्स लाने के लिए कोई जगह नहीं। 32 किस्म के टैक्स थे जो आज इंडस्ट्री तो नहीं, ये दुकानदार कह लो या ट्रेडिंग करने वाले कुछ भरते थे, कुछ चोरी होता था, 60% मुश्किल से मिलता था टैक्स, जो कि आज 90% या 100% ही कह लो चाहे उतना मिलता है। मतलब कई स्टेज पर कई प्रकार के टैक्स होते थे जिनसे आदमी फिर भागता था या भरता नहीं था या चोरी करता था। हाँ, पहले तरह तरह के टैक्स होते थे, कई तो टैक्स होते थे। एक तो सुपर चार्ज था जो आम आदमी को तो लगता था पर गवर्नमेंट को नहीं मिलता था। इसी तरह दूसरे टैक्सों में भी चोरी होता था। अभी GST लगा दिया, इसके पैन कार्ड आधार कार्ड सब जोड़ दिया तो वो सब हट गया। तो हर आदमी को उतना देना पड़ता है और ये आगे के लिए हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छी बढ़िया चीज़ है, जो कि पूरा पैसा आ रहा है, हर आदमी को देना पड़ रहा है, चोरी नहीं होता है, कम चोरी होता है, बहुत कम अभी रह गया, वो तो छोटे दुकानदारों को छूट दी हुई है और कुछ नहीं। आप भूटान में व्यवसाय कर रहे हैं तो जो भारत की सरकार है, भूटान की सरकार है, तो इनमें आपको मतलब कितना सामंजस्य, कितना आपको एक प्रकार से सुविधाएं प्राप्त होती हैं? यदि कोई दिक्कत प्राप्त होती है तो मैं चाहूँगा उसका भी आप वर्णन करें। वो दिक्कत तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो देखिए अलग अलग देश की अलग अलग नीति है, जो हमारे देश में है वो वहाँ नहीं है और वहाँ है वो यहाँ नहीं है, वो तो फर्क है उसमें। तो वहाँ टैक्स का कोई टैक्स उतना नहीं है, भूटान के अंदर भीतर में कोई टैक्स ऐसा नहीं है, बस वो 2% ले तो वो भी मिल जाता है साल के अंत में। और बस हमारे देश के बीच में पहले कस्टम नहीं था, अभी कस्टम डिपार्टमेंट भी बैठ गया है। पहले तो नॉर्मल हमारे देश के भीतर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम होता है, इसी तरह होता था, लेकिन अभी थोड़ा सा है। तो और हम वहाँ FDI में किया है वो काम, जो हम अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन लिक्विड में, लिक्विड okay. हाँ, और अभी हमने सिलीगुड़ी में भी किया है। तो वो हमने अभी जो हम छोटा सा काम शुरू किया था उसके बाद उसको हमने अभी भूटान से भी जोड़ने का हमारा वो है, क्योंकि वहाँ हमारा प्रोडक्शन में इलेक्ट्री है ही मेन रॉ मटेरियल है। तो वहाँ से हम भूटान से वो अपना प्रोडक्शन तैयार करेंगे और उधर इंडिया में भी ले आएंगे उसको जी। और उसके बाद वहाँ भी हमने अच्छा 5-6 किस्म का भी गैस का डेवलप कर रहे हैं। ढुल साहब, भारत में ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि मोदी ने तो देश को बेच दिया, आपका क्या अनुभव इस पर? ये तो एक देखो, जो आदमी आम आदमी इन चीज़ों को जानता नहीं है, हमारा देश में इन झूठी बातों पर बहुत प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और उसको 50% 60% आदमी ऐसे मान बैठे हैं कि वो सच्चाई है, जो कि वो 1% भी सच्चाई नहीं है। वहाँ पर वो समझने की ज़रूरत है। जो हम जो आदमी विदेशों का भी काफ़ी इन्वेस्ट हो रहा है ताकि इस देश को तोड़ा जाए। हाँ, विदेशी ताकतें भी ऐसे हैं जो देश हमारा आगे बढ़ रहा है या हमारा देश उन्नति कर रहा है तो उसके साथ दूसरे देशों को जलन भी होता है। जैसे
हमारे यहाँ भी होता है, वो रिवाज है ही, लेकिन विदेशों में भी है। देश का देश मतलब अच्छा नहीं लगता ना उसको, भाई ये देश इतना आगे बढ़ जाएगा तो हमारे देश से बहुत आगे बढ़ेगा, तो वो भी उनको दुख लगता है उस चीज़ का। वो किसी अपने बराबर वाले को उतना आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। जो कि मोदी आज बहुत स्पीड से और 10 साल के जो 70 साल में 65 साल में नहीं कर पाई कांग्रेस, और इन्होंने 10 साल के अंदर वो करके दिखा दिया जो कोई भी देश इतना उन्नति नहीं किया होगा। आज सब इसके मुरीद हैं मोदी के। क्यों हैं? इसका कारण वही तो है कि ये क्या चमत्कार कर रहा है, इसने वही किया है। जैसे अभी बताया ना शुरू में, मैं आपको बोल रहा था कि ये एक तो फूड गारंटी बिल ले आए, ऊपर से बैंकों को लुटा के गए, आम पब्लिक में हवा फैला दिया, मोदी में पूंजीपतियों की पार्टी है, इसने बैंकों वालों को भगा दिया। जबकि भगाया उन्होंने, उन्हीं के डर से तो गया, जो मोदी के डर से तो भागा, लेकिन आम आदमी के दिमाग में बैठ गया कि हाँ मोदी ने भगा दिया। तो ये सब चीज़, वो एक कोई नीरव मोदी था, वो नाम जोड़ दिया उससे, सबको दिमाग में बैठ गया वो बात। तो ऐसी ऐसी बातें, बहुत भ्रमित बातें हैं। अडानी को जोड़ रखा है आज, अडानी ने तो इसमें सोलर में बहुत अच्छा डेवलप किया, तो उसके चलते अडानी कोई भी पूंजीपति होगा या इंडस्ट्रियल ये होगा तो वो ग्रोथ तो करेगा ही। वो अपना इंडस्ट्री कोई भी, उसको अच्छा नॉलेज है तो वो, गवर्नमेंट तो उसमें पैसा लगा नहीं सकती, पर इंडस्ट्रियल के पास तो पैसा है, वो पैसा वाला तो हर देश को चाहिए। और ये हमारे दिमाग में आज नफरत बैठा हुआ है कि पूंजीपति को यदि हम नीचे गिराते हैं तो आम आदमी उसमें खुश होता है। यदि मैं आपकी व्यक्तिगत स्तर पर बात करूं तो जब आप व्यवसाय कर रहे हैं भूटान और भारत के बीच में, तो क्या आपको भी कोई परेशानी महसूस होती है, या मतलब हर जगह पर आपको लगता भी इजीली काम हो रहा है, सिस्टम से हो रहा है, तरीके से हो रहा है, नियमों के तहत हो रहा है? देखो ये सब चीज़ तो कुछ तो हमारे देश में सिस्टम तो बनाए रखा है ना, क्योंकि ड्रग के बगैर कोई कानून चलता नहीं है। और आज हमारे जो कानून हैं वो इतने वो किए हुए हैं सॉफ्ट, जिसकी वजह से कि कांग्रेस के राज में भी था और जो आज भी कुछ हद तक वहाँ चल रहा है, लेकिन बहुत फ़र्क आया है उस चीज़ में। पर आज एक आध डिपार्टमेंट में अभी भी बहुत मुश्किल आती है व्यापारियों को आती है। पहले मैं सोचता था कि भाई व्यापारी ही चोर होते थे, मैं बहुत नफरत करता था बिजनेसमैन से, लेकिन बाद में अभी मेरा दिमाग खुला तो देखा कि गवर्नमेंट के कर्मचारी भी बहुत गड़बड़ करते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को परेशानी होता है। दुल साहब, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से डायरेक्ट आप नरेंद्र मोदी जी को कोई अपनी बात पहुंचाना चाहें तो आपके विचारों का मैं स्वागत करता हूं। मैं मोदी जी से अभी यही एक प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश में एक तो शिक्षा नीति एक हो जाए, जो कि मोदी जी पहले से प्रयास कर रहे हैं ऑलरेडी, और चाहे प्रांतीय लैंग्वेज में अलग अलग सिस्टम एक होना चाहिए, एक ही हमारा सिलेबस होना चाहिए पूरे देश का, जिससे कि हमारा देश बहुत तेज़ी से उन्नति करेगा। दूसरा हमारा एक सबसे बड़ा, अभी जो मेरे साथ भी घटना घटी है, जो कि हमारे न्याय व्यवस्था में मेरे को बहुत बड़ी खामियां नज़र आ रही हैं, और वो ऐसी है कि आज मैं किसी को परेशान करना चाहता हूं, उसको 10 साल तक दुखी करता रहा, वो बिल्कुल इनोसेंट है, लेकिन हमारे कानून ऐसे हैं कि यदि हम उसके ऊपर झूठा भी ब्लेम लगाता है तो वो तो 10 साल दुखी होता रहता है, लेकिन हमारा झूठ के लिए हमको कोई, यदि वो इनोसेंट निकल गया कोर्ट से भी तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। जो कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कानून हो तो आज हमारा देश अभी स्वर्ग में लौट जाएगा, ये दुनिया ही चेंज हो जाएगा, और हर आदमी मोदी को युग पुरुष कहेगा और उसको याद रखेगा यदि ऐसा किया जाए तो। आपकी दृष्टि में आपको क्या लगता है, कल 4 जून है, किसको विजय श्री अपना हार पहनाने जा रही है? देखो वो तो आप पत्रकार हैं, हमारे से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जो हम सुन रहा है, जैसे हमें अपनी तरफ से कोशिश किया है, अपनी तरफ से मैं तो एक हमारे रिश्तेदार के भी यहाँ गया था उस दिन, तो वो बोले कि हमारे तो 100-150 वोट थे, वो सब हम तो इसको धर्मवीर को ही दिया है, तो मैं दिया है बहुत अच्छी बीजेपी को दिया है, बीजेपी को दिया है, बीजेपी को दिया है,
तो मैं बोला भाई मेरा भी आज पता नहीं, एक वोट था, एक की जगह 6 या 7 वोट डालने जा रहा हूँ, मैं डाल के आया हूँ, बोला देखो, और उसके बाद आपके पास आया हूँ, देखते हैं क्या पोजीशन है। तो उस हिसाब से हमको तो तोशाम ब्लॉक का तो हमको पता चला कि भाई पक्का ये बीजेपी आके है, और बाकी का देखो दूसरा भी सुन रहा है कि हम बीजेपी का उम्मीदवार ही जीतना चाहिए। बाकी धारणा हमारे जो अफवाह फैलाई हुई है, झूठी बहुत झूठी बातें जो चल रही हैं गाँव में, और वो कैसे निकाली जाए ये हमको थोड़ा सा समझाना बहुत मुश्किल है। उनका आदमियों के जो दिमाग में बैठ गया उसको निकालना बहुत मुश्किल है। वो एक अपना कुछ तो हाइपर होते ही हैं गांव के आदमी, वो और मतलब ज़्यादा उनको बोलना भी उचित नहीं होता है, और वो समझते भी नहीं है क्योंकि सुनना ही नहीं चाहते। सुन तो लेंगे तो बात तो मैं भी समझा सकता हूँ उनको, आज आर्थिक रूप से हमारे देश को या कांग्रेस ने क्या नहीं कर रखा, हमारे जितने संशोधन कर रखे हैं 85 या 87 जितने संशोधन किए संविधान में, उनमें उन्होंने जहरी फैलाने का काम कर रखा है, देश के उसके लिए नहीं किया है, देश को डुबोने के लिए काम कर रखा है। और यदि आज ये 14 के अंदर मोदी जी नहीं आते तो आज इस देश का बेड़ा गर्क हो ही जाता, और ये बात आम आदमी नहीं समझेगा इन बातों को क्योंकि उसको पता नहीं है। कांग्रेस पार्टी को तो मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि इसको लोग इसको समर्थन या दे कैसे रहे, उनके बारे में जानते क्यों नहीं है, अंदर की बात इतनी गहरी है कि या तो मेरा दिमाग कभी कभी तो फेल हो जाता है कि ये नेता इनको कैसे मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो वो वही हैं जो कुछ जानते ही नहीं होंगे शायद, इतना मेरा तो दिल कहता है। इतनी बात क्या बताऊँ आगे, और बहुत कुछ है, इतना मैं बोलूँगा नहीं इधर तो, पर बहुत कुछ बातें हैं। हमारे देश को आर्थिक डुबोने के लिए कांग्रेस ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पहले तो आदमी को मरवा देते थे ये, और अच्छे कानून तो कभी बनाए नहीं, आज है क्या कोई सख्त कानून है देश में? बदमाश के लिए कोई कानून नहीं है आज देश में, और निर्दोष है वो पीसता रहता है। मेरे साथ ही घटना हुआ है, अभी कोर्ट में चल रहा है, पैसा कोर्ट उसके अकाउंट में गया, सब किया, मेरे साथ वकील ने गड़बड़ कर दिया, पुलिस रिपोर्ट दे दिया, फिर भी वो केस वैसा ही है, मतलब अपराधी है जिसने गलती पर गलती कर रखा है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, हमको परेशानी हो रहा है। पैसा लेके 19 से आज तक का मेरा 51 लाख रुपया लेके बैठा है, बाद में कोर्ट से छूट जाता है, बोला कि नहीं हमने किया ही नहीं इसके साथ, अरे तेरे अकाउंट में पैसा गया हुआ है कैसे नहीं किया, तो ऐसे ऐसे खेल हो रहे हैं क्या बताएगा। धूल साहब, इसके अलावा यदि आप कोई और विचार व्यक्त करना चाहें तो मैं आपका स्वागत करता हूं। हाँ, एक और भी कहना चाहूँगा, अभी आज इसमें थोड़ा सा ये आ जाएगा, मैं न हिंदू का न मुस्लिम मैं नहीं करना चाहता इस चीज़ को, न मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मैं आदमी को सबको बराबर अधिकार की बात सोचता हूँ, लेकिन जो हमारे चाहे हिंदू कह लो चाहे मुस्लिम भाई कह लो, जो गलत धारणा आज हिंदू को ये मालूम नहीं है कि उसका धर्म कैसे है, वो हिंदू कैसे है, आज वो हमारे अंदर बराबर अधिकार दिए जाएं सबको। आज हमारे गीता का ज्ञान हम आम आदमी को कुछ मालूम नहीं है, जो कि उनको मंदिरों का हमारा या रख रखाव का मंदिरों का जो पैसा है वो ये ले जाता है, गवर्नमेंट लेता है, कहीं कांग्रेस अपना नीति से चला है पहले भी, तो इनमें भी बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है जिससे कि हमारा आदमी जागरूक होगा, और जागरूक होगा तो हमारा देश का भी फायदा होगा और हमारा सही गलत को भी पहचानेगा उस चीज़ को, जो अज्ञानता के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। अंत में ढूल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी मोदी जी की जो पॉलिसी है वो देश को बहुत स्पीड से मतलब बहुत तेज़ी से आगे ले जाने वाली है, और हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी में तो मोदी जी का कोई जवाब ही नहीं है। जो आज हम देख रहे हैं, हमारा चंद्रयान चांद पर पहुंच गया, उसके बाद हमारी आर्मी में देखो, आर्मी में कुछ नहीं था, आज 2013 में आर्मी की हमारी वो पोजीशन थी जो कि आज हमारा देश पाकिस्तान से भी हार सकता था, और आज देखो आर्मी के आदमी जो हमारे आर्मी में जो रहते हैं उनसे पूछ के देखो,
उनके खाने का, उनका हथियारों का, उनका ड्रेस का, या मैनेजमेंट कितना बढ़िया हो रखा है, कितना अच्छा हुआ है। आज आर्मी का आदमी सब मोदी जी का सपोर्ट कर रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। अच्छा, दूसरा फिर हमारे आज टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में, आज हमारा मोबाइल में ले लीजिए, आज हमारा वंदे भारत ट्रेन में ले लीजिए, या कोई भी देश से हम परचेज नहीं करके उसको हम यहाँ बनाने की सोचते हैं। मेक इन इंडिया का जो नारा था मोदी जी का, आज वो कामयाब कर रहा है, और हमारे हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में उसका कितना बड़ा फायदा है वो आप सोच सकते हैं उसको। और आज युवा, हमारा युवा यदि उसके ऊपर ध्यान दे, जो मोदी जी ने जो प्लान चला रखी है उन पर ध्यान नहीं दे, ध्यान दें तो हमारा बहुत ही स्वर्ण युग होगा आगे के लिए, हमारा देश का बहुत ही जल्दी तेज़ी से बढ़ेगा। हम सिर्फ नौकरी की न सोचें, हम अपना कुछ व्यवसाय करने का भी सोचें इस टाइप का, कि हम इसमें यदि ध्यान देंगे तो हम टेक्निकल हिसाब से हम और आगे छलांग लगा सकते हैं। तो मोदी जी का हर लाइन में हर तरह से बहुत प्रोत्साहन दे रहा है, जो कि पहले ऐसे कभी नहीं मिलता था कांग्रेस की राज में। और आम आदमी यदि इसमें ध्यान देगा तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ईश्वर जी ने वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली और उसके द्वारा जो हमारा, हमारे जो व्यवसायी हैं वो किस प्रकार से फ़ायदा उठा पा रहे हैं, उन पर एक विस्तृत अपने विचार रखे हैं। मैं ईश्वर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने शब्दों अच्छा से अमन जी अच्छा अमन जी आप धन्यवाद, आपका धन्यवाद। तो दर्शकों, एक और शख्सियत के साथ मैं आपके सामने फिर पेश हूँगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।